बड़े भैया, ये अपने घर जाना चाहती है। जाना भी चाहिए, चार पांच महीने हो गए, मायके की याद भी आती होगी इसे। और अर्जुन, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें कई बार बुला चुके हैं, तुम भी कुछ दिनों के लिए हो आओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अगर ये वापस लौटने के लिए जा रही होती तो मैं जरूर जाता, मगर ये तो हमेशा के लिए इस घर से जा रही है। कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते तो इस मामले को घर की चार दीवारी में बैठकर आपस में सुलझा लेना चाहिए। बहू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे गांव की रीति रिवाज के बारे में क्या मालूम? ये तो तुम्हारा फर्ज बनता अर्जुन कि तुम उसे हमारे तौर तरीके सिखाओ। सिखाने से कोई फायदा नहीं पड़े भैया, ये खुद को इस माहौल में डालना ही नहीं चाहती, इसलिए भेज रहा हूं। अच्छा, तो तुमने फैसला भी कर डाला। बड़े भैया, बात यह है कि मैंने मीना को, तुम बहुत समझदार भी हो गए हो ना, तो फिर तुम्हें इतना तो समझ लेना चाहिए, अगर बहू अपने आप को बदल नहीं पा रही है तो तुम बहू के मुताबिक बदल जाओ। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, उसका साथ देना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे भरोसे ही तो उसने अपनी सारी जिंदगी सौंप दी तुम्हें। अर्जुन, मेरे दर्द पर तुम तड़प उठोगे, तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं रो दूंगा, क्योंकि हम दोनों एक ही मां की संतान है, खून का रिश्ता है हमारा, मगर पत्नी का नाता उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो पराए घर से आकर अपनों से कहीं ज्यादा अपनी हो जाती है, परछाई बन जाती है हमारी। पति शरीर है तो पत्नी उसकी आत्मा है, पत्नी ही पति के जीवन को सही अर्थ देती है, उसे कामयाब बनाती है। पत्नी के बगैर पति बेजान और बेमाने हो जाते। अगर आज तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मायके छोड़ाओगे तो यह गांव, यह समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? जरा सोचो अर्जुन, न्याय के सिंहासन पर बैठकर जो लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करता है, अगर उसी के घर में नाइंसाफी होगी तो लोग हंसेंगे हम पर, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। बड़े भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुनीम जी। जी मालिक। जायदाद के दस्तावेज लाइए। जी अभी लाया। बहू, पति ही पत्नी की असली शक्ति होती है। हमारे पुरखों ने कुल धर्म पत्नी के बारे में कहा है, जो पति के काम में उसकी मददगार हो, उसे अच्छी सलाह दे, जो दासी की तरह उसकी सेवा करे, मां की तरह उसे खिलाए पिलाए, लक्ष्मी का रूप और धरती की तरह उसमें सहन शक्ति हो, वही आदर्श पत्नी होती है। औरत की सोच मर्द का मुकद्दर बनाती है, वो जब बनाने पर आती है तो कुटिया को महल कर देती है, और जब बिगाड़ने पर उतरती है तो महल को मिट्टी का ढेर बना देती है। मालिक, ये जायदाद के दस्तावेज है, हमारी जमीन जायदाद कहां कहां है और कितनी है, उसका हिसाब किताब ना बाबूजी को मालूम था, ना हम तीनों भाइयों को मालूम है। बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, आज से इसका हिसाब किताब तुम देखोगी। लक्ष्मी जी, अपनी चाबियों का गुच्छा और यह कागजात बहू को दे दो।